हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दरभंगा में चयनित अभ्यर्थी का बक्सर के केशवपुर में हुआ फर्जी नियोजन। जिले के शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़े का मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। अब नियोजन इकाइयों में की गई धांधली की कलई खुलने लगी है। अब वास्तविक अभ्यर्थी ही विभिन्न माध्यमों से शिक्षा विभाग को सूचित करने लगे हैं। इससे अब तक पकड़ में नहीं आने वाले अभ्यर्थी भी सामने आने लगे हैं। इस क्रम में सोमवार को बलिया जिले के टकरसन गांव निवासी राजेश शर्मा ने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देकर फर्जी नियोजन के बारे में जांच की मांग की है। उन्होंने आवेदन के माध्यम से डीईओ को बताया कि उनका सिमरी प्रखंड के केशवपुर पंचायत में हुई 12 जुलाई 2021 की काउंसलिंग में शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, उक्त तिथि को दरभंगा में काउंसलिंग में शामिल था। मेरा चयन भी बहेरी प्रखंड के ग्राम पंचायत हावीडी उत्तरी में हो गया। जिन्होंने अपना नाम NIC पोर्टल पर देखा, उनका चयन सूची सिमरी प्रखंड के केशवपुर द्वारा अपलोड किया गया है। इनको लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे नाम का फर्जी काउंसलिंग कराकर जालसाजी की है। अपने उज्जवल भविष्य को देखते हुए जांच का उचित कार्रवाई की मांग की। ज्ञात हो कि यह पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व सिवान में नियोजित महिला अभ्यर्थी ने बक्सर जिला शिक्षा पदाधिकारी को दूरभाष पर शुक्रवार को सूचना दी थी। चयनित महिला अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश की रहने वाली यास्मिन फातिमा है। डीईओ के अनुसार चयनित अभ्यर्थी डीईओ को दूरभाष पर बताया कि उनका चयन सिवान जिले में हो चुका है। वह बक्सर में आयोजित नियोजन में टर्नअप नहीं हुई है, फिर भी उनका नाम बक्सर के चयन सूची में दिखा रहा है, जबकि वह बक्सर नियोजन में शामिल नहीं हुई है। अब जिले में धीरे धीरे शिक्षक नियोजन में हुई गड़बड़ी की कलई खुलने लगी है। वैसे अभ्यर्थियों ने भी जानकारी देना शुरू किया है, जिन्होंने बक्सर में नियोजन नहीं कराया, बावजूद उनका चयन बक्सर में दिखा रहा है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि वास्तविक अभ्यर्थी ही उन नियोजन इकाइयों में गड़बड़ी को उजागर कर रहे हैं जो अभी चिन्हित नहीं हुआ है। गड़बड़ी को देखते हुए जिले के अन्य नियोजन इकाइयों के अभ्यर्थियों की जाँच पर भी विचार जो है वो किया जा रहा है। तो इस तरह का बहुत सारा मामला जो है शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़े का एक एक करके सामने आते जा रहा है, और सोच के भी आश्चर्य लगता है कि इस तरह से कैसे किया जा रहा है। क्योंकि जो काउंसलिंग हुआ था बहुत पारदर्शिता के साथ हुआ था, उसके बाद भी इतना अधिक संख्या में जालसाजी की जा रही है। ये मतलब लगता है ना, कभी कभी जो सोच से परे है ऐसी स्थिति जो है वो बनी हुई है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जो भी लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।